हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में बात करेंगे हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। एंक्री एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अ ग्रोइंग थ्रेट। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। देखो, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक ब्रॉडर टर्म है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस मतलब क्या? रुकावट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और फिर क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए मेडिसिंस काम में आती हैं, और मेडिसिंस को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है मेडिसिन से, मतलब मेडिसिन का इफेक्ट उस बैक्टीरिया पर नहीं होता। तो यानी कि अब वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, यानी अब उस एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो सकती, वो जो डिसीज़ जिस बैक्टीरिया से हुई है वो डिसीज़ ठीक नहीं हो सकती, यानी एंटीबायोटिक अब वो काम की नहीं रही। एंटी माइक्रोबियल का कंसेप्ट वही है, लेकिन माइक्रोबियल नाम से पता चल रहा है कि इसमें बैक्टीरिया के साथ साथ वायरसेस, पैरासाइट्स और भी चीज़ें आ गई, कि जो बीमारियाँ वायरसेस पैरासाइट्स से होती हैं और उनमें अगर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो दवाइयाँ जो होंगी, मेडिसिन जो होंगी, वो काम में नहीं आ पाएंगे। अब नई जो है निकाल के लानी पड़ेगी मेडिसिंस। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है? जैसे कि मैंने बोला कि अगर कि कोई भी बैक्टीरिया अगर दवाई से प्रिवेंट और ट्रीट नहीं होता, रेसिस्टेंट क्रिएट होता है, तो क्यों? क्योंकि अनइवन और अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक यूसेज की जा रही है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जैसे खासकर भारत की मैं बात करूँ तो अनट्रेंड अनस्किल्ड जो डॉक्टर्स होते हैं वो छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि उनके लिए है नहीं वो बनी हुई। एंटीबायोटिक्स उन बीमारियों के लिए होती नहीं है। तो जितना ज़्यादा यूजेज हो जाता है उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये चीज़ होती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, सॉल्यूशन क्या है कि अब टॉपिक काफ़ी डिटेल में है, मैं हल्का सा आपको एक बार इंसाइट दे रहा हूँ कि इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि एक तो स्ट्रॉन्गर यूज़ हो। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या आती है कि मेडिसिन में इनइक्वालिटीज़ है, मेडिसिन केसेस में एक्सेसिव यूज़ ज़्यादा हो जाता है, कई बार पोअर सैनिटेशन होता है, और फार्मर्स कई बार एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेते हैं, जैसे उनके चिकन वगैरह जो होते हैं, मुर्गी वगैरह जो होती है, उनको उनकी ग्रोथ फटाफट करने में, कि भाई समय से पहले उनकी ग्रोथ हो जाए ताकि फार्मर को प्रॉफिट मिल जाए, इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ता है। अगर मैं फुल डिटेल में आपसे बात करूँ, अगर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जम्स की बात करूँ, तो बेसिकली ऐसे जम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे ड्रग्स जो अब तक काम करते थे वो अब काम करना बंद हो गए, तो वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। पेनिसिलिन एंटी और कुछ एंटीबायोटिक्स थी जैसे कि एंथ्रीमेसोन, फ्लोक्सिन, ये 70 साल पहले आई थी और कई बीमारियों को इन्होंने ख़त्म किया। और ऐसे तो जो ड्रग होता है हमारा वो मिलियंस ऑफ जम्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ जम्स जो होते हैं जो डिसीज की कुछ पॉपुलेशन में बच जाती है, वो बच के बाहर निकल जाती है, और जब वो बच के बाहर निकल जाती है, किसी तरीके से सर्वाइव हो जाती है, तो वो बॉडी की जीन्स में चेंजेस ला देती है। अब इससे क्या होता है, जो चेंजेस निकल के आए, अब वो ड्रग है, अब वो काम करना बंद कर देगा, और अब धीरे 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 जेनेटिक जो चेंज होया उससे ड्रग्स का रेसिस्टेंस भी बढ़ता गया, क्योंकि एक जो डिसीज़ किडनी पॉपुलेशन जो बाहर निकल गई थी, बच गई थी, जो जर्म बाहर निकल गया था, उसने जीन में चेंज कर दिए, जीन में चेंज होती रेसिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया और ड्रग्स का काम करना बंद हो गया। इससे कुछ ही सालों में मिलियंस में मल्टीप्लिकेशन होती जाती है और MDR जम्स क्रिएट होते जाते हैं, ऐसे जम्स जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है, जिनमें कि दवाइयाँ जो अब तक काम आती थी वो काम नहीं आती। कंसर्न्स क्या क्या इनके? देखो, कुछ ऐसी डिसीज़ हैं, कुछ ऐसी जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और जो कि एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं हमारे, वो अब काम नहीं आ रहे उनको ट्रीट करने के लिए, और ये बीमारियाँ बहुत ख़तरनाक है। और ऐसी बैक्टीरिया देखिए, आप देखोगे सेडोफोनस, सेलोमोनेला, टीबी, फंगी, आप देखो इनसे जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते अभी जो हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स है, यानी कि हम जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और कुछ भी जो है होएगा नहीं। ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, इससे हर साल 30 लाख लोग इफेक्ट होते हैं। UNO की स्टडी थी जिसमें पता चला था कि अगर नए ड्रग्स आप नहीं निकालोगे इन जम्स के लिए, क्योंकि पुराने ड्रग्स तो काम करना बंद कर दिए, नए निकालने पड़ेंगे, अगर नहीं निकाले तो
एक करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है, डेथ टोल पहुंच सकती है 2050 तक। क्यों? पहली बात तो नए ड्रग्स क्यों नहीं निकाले जा रहे, इतनी मेहनत क्यों लग रही है नए ड्रग्स निकालने में, प्रेशर क्यों लग रहा है? R&D नहीं है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है भाई। क्या होता है कि बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, साइक्लिकल टाइम होता है, दशक लग जाते हैं एक ड्रग बनाने में। तो टाइम तो टाइम, ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये कहाँ से लाएगी कोई सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर्स, खास करके डेवलपिंग कंट्री इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेगी। तो डायबिटीज़, अर्थसेस, ब्लड डिसऑर्डर्स, कैंसर, ये तो इनके लिए जो दवाइयाँ बनती है ना वो तो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इस वजह से R&D इसमें कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, है ना, क्योंकि आप ये देखो कि अगर कोई ड्रग बना भी दिया, मान लो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके, तो फिर एंटीबायोटिक ड्रग रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उससे क्रिएट हो जाएगा ना भाई। मान लो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, फिर वापस रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो इसलिए जो है पैसा लगाने से बचती है सरकारें, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। हाँ, कुछ प्राइवेट फार्म इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी किस्मत वाले हैं कि उनको इनके लिए फ़ंड भी मिल गया, प्राइवेट फाउंडेशन से खास करके और गवर्नमेंट सोर्सेज भी, और ये सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा लेके भाग गए, कुछ पैसा सफल भी है, इन्होंने ड्रग्स भी बनाया है। लेकिन ड्रग्स का काम करते रहना ज़रूरी है, नए नए ड्रग्स आते रहना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में वल्नरेबिलिटी की बात करूँ तो इंडिया में डे डेथ का अगर मैं बात करूँ तो 30% रीजन अगर डिसीज से हो रही है तो वो MDR की वजह से हो रही है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पैथोजन की वजह से। इस स्टडी में तो केवल हॉस्पिटल बेस्ड डेथ की बात थी, जो घरों में, जो टाउन्स में, विलेजेस में जो लोग मर रहे हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं थी। तो इंडिया तो बहुत बड़ा एक रिस्क झेलने की कोशिश कर रहा है MDR जर्म इन्फेक्शन से, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जर्म इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और हमारी ना क्लाइमेट कंडीशन भी ऐसी है, सैनिटेशन भी इतना अच्छा नहीं है, पुअर सैनिटेशन है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान और कई ऐसे कदम हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सैनिटेशन की व्यवस्थाएँ सही नहीं है। तो MDR जो जम्स हैं, ऐसे जम्स जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है, जिनमें दवाइयाँ काम नहीं करती, एक तो पहली बात हमारे पास दवाइयाँ नहीं गाँवों के लिए, दूसरी बात ऐसे जम्स निकल के आ रहे हैं जो कि ऐसी दवाइयाँ क्रिएट, ऐसी बीमारियाँ क्रिएट कर रहे हैं जिनके लिए दवाई है ही नहीं दुनिया में, फिर खास करके देश में। तो ये तो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन हो गई ना। तो अगर हम देखें कि स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखें हमारा, और पब्लिक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखें स्टेट का, तो हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ऐसी सिचुएशन आप अफ्रीका में भी देख सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया में भी देख सकते हो, और जो लो इनकम हाई पॉपुलेशन कंट्रीज़ हैं उनमें आप देख सकते हो। तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, आशा की बात है, खुशी की बात है कि हमारी इंडियन कंपनी भी है, उसने काफ़ी अच्छे काम किए इस चीज़ में, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इस अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने डील करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी इक्विप करने की कोशिश की, ड्रग्स बनाने की कोशिश की, और काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है और कंपनियाँ जो हमारे देश में काम कर रही है इस फील्ड में उनके लिए। अब आगे क्या कर सकते हैं, मेंस में आपको वे फॉरवर्ड तो पूछा ही जाएगा, सोल्यूशन आपको बताना जरूरी है। तो देखो, जितना R&D फोर्ड चल रहा है इंडियन साइट के द्वारा, काफ़ी वैल्यूएबल है और वो काफ़ी कर रहे हैं, जितना पैसा मिलता है उतना करते हैं वो। तो अर्जेंट नीड है हमें और अफोर्ट्स की, और पैसों की, और रिसर्च होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट में थोड़ी होनी चाहिए, प्राइवेट में भी होनी चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी होनी चाहिए, ड्रग कंपनीज में भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कितना करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट पुश कर सकती है लोगों को, साइंटिस्ट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कंपनीज को, कि आप रिसर्च करो, पैसा दे सकती है और खुद भी फंड कर सकती है और ग्रांट भी ऑफर कर सकती है, जरूरी है। और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस को इंकरेज किया जाना चाहिए कि भाई आप इनमें रिसर्च करो, और आप अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो पैसा दो। तो सब गवर्नमेंट के हाथ में। इंडियन फर्म्स की मैं बात करूँ ड्रग डेवलपमेंट में, तो देखो इंडियन फर्म्स काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं ड्रग डेवलपमेंट में। अगर आप दुनिया भर की अगर देखें फर्म्स, और वैसे भी हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनइक्वालिटी ज़्यादा है ना। मैंने क्या कहा था, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में देखो तो अमेरिका से, कई कंट्रीज से ज़्यादा लोग इलाज कराने भारत में आते हैं। भारत जैसा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ही नहीं, दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी है कि गाँवों तक मेडिसिन की पहुँच नहीं है। तो अगर मैं ड्रग डेवलपमेंट की बात करूँ तो इंडियन फर्म्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। कुछ ही हमारे वैक्सीन मेकर्स हैं, कुछ ही कंपनियां जो वैक्सीन बनाती हैं, वो ग्लोबली 35% वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ ही कंपनीज हमारी जो पूरे दुनिया में
35% जितनी चाइल्डहुड वैक्सीन्स बन रही हैं वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। तो इंडिया एक मेजर वैक्सीन प्रोवाइडर चिल्ड्रन का, तो इंडिया को इस चीज़ में लीडर होना चाहिए और लीडर हो भी सकता है। तो इंडियन फर्म्स क्या कर सकती है इसके लिए, US में US की फर्म्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, उनको एक्वायर कर सकती है, पार्टनर के तौर पर काम कर सकती है, टेक्नोलॉजी ले सकती है और ऐसे ड्रग्स बनाने में काम कर सकती हैं जो कि MDR जम से लड़ सके, MRD जम से लड़ सके। तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही होगी, दुनिया में लोगों को मदद मिलेगी और अच्छी चीज़ होगी। और लैब्स भी तो एस्टेब्लिश कर सकती है रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, US फर्म्स के साथ मिलकर लैब्स बढ़ा सकती है। तो अगर आप देखें इंडिया एक मेजर प्लेयर बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ग्लोबल हेल्थ के मामले में एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। दुनिया भर में 7 बिलियन पीपल को गुड हेल्थ हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने फोर्स से। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, आई होप सबको समझ में आया होगा। मेन से रिलेटेड सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू ऑल।